वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेलर्स कॉर्नर और मैं हूँ ज्वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। आज की स्पेशल रेसिपी है मैंगो श्रीखंड, जिसे कि हम बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे और ये रेसिपी सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं मैंगो श्रीखंड। मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम दही। अगर इसे कप से नापेंगे तो 2 कप दही है। मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए हम हमेशा ताजे दही का इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी मैंगो श्रीखंड बहुत ही टेस्टी बनेगी। हमने यहाँ 1 कटोरी आम का पल्प लिया है, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज का आम लिया था। इसे मिक्सी में ग्राइंड करके हमने पल्प बना लिया है। 1 छोटी कटोरी से चीनी लिया है, इसका भी मैंने पाउडर बना लिया है। ऐसे चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 इलायची, जिसका कि मैंने पाउडर बना लिया है। 4 से 5 काजू, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 4 से 5 आलमंड्स यानी बादाम, इसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 4 से 5 पिस्ता, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ 5 से 6 केसर के धागे हमने गार्निश के लिए लिया है। तो हमने यहाँ लिया है 1 मलमल का कपड़ा, जिसमें कि मैं दही को डालूंगी। और इसे मैं अच्छे से बांध लेती हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए। इसे बांध के किसी ऐसे जगह पे लटका दूंगी ताकि इसका पानी निकल जाए। तो इसे ऐसे बांध लूंगी। इसे ऐसे लटका देती हूँ ताकि इसका पानी निकल जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दही का पानी अच्छे से निकल चुका है। हमने लिया है यहाँ 1 बड़ी सी छन्नी, जिसमें कि मैं दही को डालूंगी। अगर आपके पास ये वाली छन्नी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ छन्नी में दही को डाल दिया है। मैंने यहाँ लिया है 1 कप बॉयल दूध। यहाँ 1 कप दूध नहीं लगेंगे, यहाँ तकरीबन 3 से 4 स्पून दूध ही लगेंगे, बट मैंने यहाँ 1 कप दूध लिया है। यहाँ 1 कप दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। दूध को हम स्पून के सहारे 1-1 स्पून दूध दही में डालेंगे और उसे धीरे धीरे चलाएंगे ताकि दही छन्नी के तले के नीचे आ जाए। ये प्रोसेस हम बार बार करते रहेंगे। यहाँ सब कुछ सेम होगा, तब तक ऐसे करेंगे जब तक कि पूरी दही छन्नी के तले में ना आ जाए या छन्नी से निकल के बाहर ना आ जाए। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम पास है, बट इस मैंगो श्रीखंड का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पूरी दही छन्नी से निकल के बाहर आ गई है। अब इसे हम ऐसे करके स्पून के सहारे निकाल लेंगे। मैंने यहाँ लिया है चीनी, जिसे कि मैंने पहले से इसका पाउडर बना के रखा हुआ था। मैंने यहाँ चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, आप ही चाहें तो चीनी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
अब मैं चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें डालूंगी मैंगो का पल्प और इसे भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही नेचुरल आया है। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर, जिससे कि मैंगो श्रीखंड में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और खुशबू डेवलप होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी मैंगो श्रीखंड बनके रेडी है। अब इसमें डालूंगी कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स मैंने बचाया हुआ है ऊपर से गार्निश के लिए। आप देख सकते हो मैंगो श्रीखंड का कलर बहुत ही नेचुरल आया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। मैंगो श्रीखंड को हम सिर्फ 5 से 10 मिनट में अपने घरों में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए हमें जो हमारे घर में सामान उपलब्ध है उससे हम इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हमारी मैंगो श्रीखंड पूरी तरह से बन के रेडी है। इसे मैं ड्राई फ्रूट्स और केसर के धागों से गार्निश कर लेती हूँ। मैंगो श्रीखंड पूरी तरह से बन के रेडी है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ही अपने घरों में मैंगो श्रीखंड बनाइए, खाइए और अपना अनुभव हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।